तो मेरे एक साइड में यामा R15 वर्जन 4 और एक साइड में यामा MT50। तो 2024 में अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सा बाइक लेना सही है, क्या प्राइस मिल जाएगा, क्या फीचर्स मिलने वाला है, तो आज की वीडियो हम लोग ये सब कंपैरिजन करने वाले हैं। आप लोग बिहार से हो, यामा का कोई भी बाइक लेना चाहते हो, या फिर वो R15 वर्जन 4 हो या फिर MT50 हो, तो आप लोग विजिट कर सकते हो पटना मोटर्स में। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन में है और आपका एड्रेस भी वहीं पर दिया गया है, तो आप लोग विजिट करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले यामा MT50 के बारे में। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस आने वाला है 2,08,000 इसका ऑन रोड प्राइस आएगा। और R15 के बारे में आपको बता दूं, जो इसका ऑन रोड प्राइस आएगा 2,25,000, जो कि न्यू कलर है, मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हो, ये न्यू कलर रहने वाला है यामा R15 वर्जन 4 का। तो चलो अब हम लोग जान लेते हैं कि इन दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज रहेगा, क्या डिसएडवांटेज रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक के शॉकर के बारे में। तो दोनों में आपको USD फॉग देखने को मिलने वाला है, ये अपना गोल्डन कलर में रहेगा और R15 वर्जन 4 में अपना ब्लैक कलर में देखने को मिलने वाला है। टायर प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता दूं, तो 180/17 का आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। दोनों बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में आता है, दोनों में आप 280mm का डिस्क का साइज देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यामाहा जो है, मतलब दोनों बाइक में सेम साइज का एक्सेसरीज देता है। मैं आपको इंजन के बारे में बता दूं, तो 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है MT50 में। और वहीं अगर हम लोग R15 वर्जन 4 के बारे में बात कर ले, तो इसमें भी आपको 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। तो अपना इंजन प्रोफाइल कुछ इस तरीके का रहने वाला है। और सबसे बड़ा चेंजेस मैं आपको बता दूं इन दोनों बाइकों में, तो R15 वर्जन 4 जो है अपना पूरा फुल फेयरिंग बाइक है और MT50 जो है ये पूरा फुल नेकेड बाइक है। दोनों बाइक में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प को यूज किया गया है, जिसका नाइट में थ्रो है, बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरीके का अपना R15 वर्जन 4 का LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। ये रहा अपना LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये अपना DRLs हो गया, ये अपना LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गया, और ये अपना DRLs बोल सकते हैं इसे हम लोग। और दोनों बाइक का मैं आपको कलर बता दूं, तो ये अपना मेट ग्रे रहने वाला है और इसका एलॉय रहेगा पर्पल कलर का रहने वाला है। और वहीं अपना MT50 पूरा फुल ब्लैक देखने को मिलने वाला है, जिसका एलॉय का कलर आपका ऑरेंज मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं R15 वर्जन 4 का, इसका अपना मीटर कंसोल कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला, फुल डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS हो गया, राइट एंड लेफ्ट इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। और यही चीज अगर हम लोग MT50 में बात करेंगे, तो MT50 में ना कोई अपना क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, ना ही कोई अपना ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। तो ये चीज एडवांटेज है यामाहा R15 वर्जन 4 में। बाकी फिलहाल मैंने इस बाइक का हजार्ड इंडिकेटर ऑन किया है। और एक चीज एडवांटेज और यामाहा MT50 ले जाता है, वो है इस बाइक में फुल LED सेटअप, यहाँ पे अपना इंडिकेटर जो है LED में देखने को मिलने वाला है। वहीं R15 वर्जन 4 में वहीं अपना नॉर्मल सा हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो दोनों 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। R15 वर्जन 4 का जो माइलेज रहेगा 55 से 56 तक का ही आपको माइलेज निकाल कर दे देगी। वहीं अगर बात कर ले MT50 में, तो इसमें थोड़ा सा आपको माइलेज कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो R15 वर्जन 4 है ये अपना फुल फेयरिंग बाइक है, जो फेयरिंग है ये पूरा फुल एरोडायनेमिक रहने वाला है। वहीं अपना MT50 को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा सा आगे स्पीड बढ़ाने के लिए, इसी कारण से इसका जो माइलेज है थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सीट के बारे में, तो सीट अपना कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ये अपना MT50 में सिंगल पीस में सीट देखने को मिलने वाला है। R15 वर्जन 4 में बात करें, तो अपना दो अलग अलग सीट देखने को मिलता है, एक जो अपना राइडर के लिए रहने वाला है और दूसरा जो है पिलियन के लिए रहने वाला है। MT50 में अपना बैकलाइट जो है सिंगल पीस में देखने को मिल जाएगा। इसका जो टेल पैनल है ये थोड़ा सा लॉन्ग देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यामाहा R15 वर्जन 4 में, तो इसमें भी आपको टेल लाइट जो है सिंगल पीस में देखने को मिलने वाला है। इसका जो टेल पैनल है थोड़ा सा शॉर्ट देखने को मिलता है। हालांकि अब मैं टायर प्रोफाइल बता दूं दोनों बाइक का, तो इसमें आप 140/70/17 का आपको रियर का टायर देखने को मिल जाएगा। सेम चीज आपको यामाहा MT50 में भी देखने को मिलता है। इन दोनों बाइक में एक दो पार्ट्स में आपको बता दूं जो कि सिमिलर, जो कि सेम ही देखने को मिलता है, वो है इस बाइक का इंजन 155cc एग्जॉस्ट अपना सेम देखने को मिल जाएगा। वही एग्जॉस्ट अपना R15 वर्जन 4 में भी देखने को मिलने वाला है। MT50 में अपना रबर टाइप का कुछ स्टिकर देखने को मिलता है यामाहा का लोगो। वहीं अब हम लोग बात करते हैं यामाहा R15 वर्जन 4 में, तो 3D में लोगो को यूज किया गया यामाहा का। और मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, बाइक का की, तो बाइक का की कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है और सेम की अपना MT50 में देखने को मिलेगा। अब मैं एक दो एडवांटेज बता दूं यामाहा R15 वर्जन 4 में, इस बाइक को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट के साथ में, E20 पेट्रोल इसके अंदर आप डलवा सकते हो, और इस बाइक को अपने फोन के साथ में आप कनेक्ट नहीं कर सकते। और ये रहा इस बाइक का क्विक शिफ्टर, इसमें आपको 6 गियर देखने को मिलने वाला है। और ये रहा MT50 का गियर, इसमें आपको 6 गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है, इसमें आपको कोई भी क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये कुछ डिफरेंस था जितना मेरे को पता था, मैंने आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश किया। अगर आप लोग सिटी राइड के लिए यूज करना चाहते हो नॉर्मल सा बाइक, तो आप लोग जा सकते हो MT50 के साइड में।
में। इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूं, 2,08,000 आपको ऑन रोड प्राइस आएगा। और आपको कहां से लेना है, पटना मोटर से लेना है। और वहीं अगर आप लोग लॉन्ग राइड करना चाहते तो आप लोग ले सकते हो यामा R15 वर्जन 4। और इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूं, 2,25,000 आपका ऑन रोड प्राइस आएगा। और इस बाइक में आपको 3-4 कलर देखने को मिल जाएगा, तो दोनों बाइक में 3-4 कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग को विजिट करना है पटना मोटर्स, बाइक देख लो, बाइक अपना सेम देखने को मिलने वाला है, चाहे वो अपना एरोक्स का स्कूटी हो या फिर अपना FZ हो या फिर अपना R15 वर्जन 4 जो कि व्हाइट कलर में या फिर R3 हो, तो सभी बाइक देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। बाकी आप लोग कैसा कैसा वीडियो देखना आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।